हमने लास्ट क्लास में अपना बेडरूम डिजाइन कर लिया था इतना। अब हमें इसके अपने आगे का एलिमेंट वर्क स्टार्ट करना था। क्या करना है, टीवी, इस रूम का टीवी यूनिट भी डिज़ाइन करना है। टीवी यूनिट के लिए हमने एक कंसेप्ट उठा लिया है, ये हमारा टीवी यूनिट हम इस तरीके से डिज़ाइन करने वाले हैं। साइड में स्टडी डालेंगे और एक तरफ टीवी यूनिट डालेंगे, इस तरीके से हम इसको रखेंगे। इसको अरेंज करने के लिए हमने अपनी टीवी यूनिट वाली वॉल पे जाना होगा। टीवी यूनिट वाली वॉल अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही, उसको डिस्प्ले करने से पहले मैंने जो कल का रेंडर है, लास्ट रेंडर था हमारा जो हमने इसका निकाला था, हम उसको एक बार देख लेते हैं ताकि हमें एरर्स पता चल जाए, अगले वाले में हम उन चीज़ों को रेक्टिफाई कर लेंगे। जैसे ये वाला मटेरियल है, ये मटेरियल अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने इसको वाइट मटेरियल ही दे दिया। आप ग्रे मटेरियल के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। और ई वाली वॉल पर भी हम ग्रे या वाइट कलर टोन ही लेके चलेंगे, इसको भी हमें वाइट देना होगा। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, इसको कट किया मैंने। टीवी यूनिट का डिज़ाइन कंसेप्ट देख लेते हैं, हमें ये टीवी यूनिट डिज़ाइन करना है। इसके लिए टीवी वॉल होनी चाहिए हमारे पास। उससे भी पहले मैं इसका मटेरियल को रेक्टिफाई कर देता हूँ। मैंने यहाँ से इस मटेरियल को लेके इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। अच्छा, सिस्टम मेरा ज़्यादा लैग नहीं करे इसलिए आप लोग क्या कर सकते हो, शेडो को ऑफ़ कर सकते हो। शेडो ऑन की थी हमने, बट अब शेडो को क्या कर देंगे, ऑफ़ कर देंगे। अच्छा, मैं एक काम और कर रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर एडिट पे गया, मैंने यहाँ से हिडन ज्योमेट्री ऑन करी और मैंने लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को अनहाइड कर दिया, बाकियों को वैसे ही रहने दिया। हिडन ऑब्जेक्ट अप्लाई कर दिए, बाहर आ गए। यहाँ से हमने अपना व्यू देखा और इस व्यू पे जाके मैंने शेडो को ऑन किया। यहाँ से हमें शेडो भी दिख रही है। अब मेरा ये व्यू परफेक्ट हो गया, इसमें साइड वाले कर्टन्स भी आ गए हैं, उसने थोड़ा सा कवर अप भी कर लिया। और अब हम क्या कर सकते हैं, इस व्यू को मैं राइट क्लिक करके अपडेट कर सकता हूँ ताकि इसमें ये कर्टेन अपने आप बन के आ जाएगा। अच्छा, अब हम टीवी यूनिट डिज़ाइन पे चलते हैं। टीवी यूनिट डिज़ाइन के लिए यहाँ पे वॉल आएगी हमारी, ठीक है। हम रेक्टेंगल लेते हैं, मैं डोर को जूम करके छोटा करना पड़ेगा थोड़ा क्योंकि वॉल के एरिया को कवर अप कर रहा है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ से व्यू पे जाके शेडो ऑफ कर दिया अगेन और रेक्टेंगल कमांड पे गए, आर लिखा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक रेक्टेंगल बना दिया। इसको डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट किया और अगेन डबल क्लिक किया, पुश पुल करके इसको हाइट दे दी, फुल हाइट यहाँ तक की। ओके, ये हो गया हमारा तैयार। अब टीवी यूनिट डिज़ाइन करने के लिए हमने इसको रिवर्स कर लिया, ठीक है। इस व्यू पे आ गए, सॉरी फ्रंट व्यू पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद हमने इस फेस को राइट क्लिक करके हाइड कर दिया। जो हमारे एलिमेंट्स थे इनको भी हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। इस सरफेस को भी हमने हाइड कर दिया और ये बेड यूनिट को भी हाइड कर दिया ताकि हमें टीवी यूनिट का सरफेस तो मिले कि कहाँ पर टीवी लगाना है। अब टीवी यूनिट का डिज़ाइन कैसे रखना है भाई, राइट साइड में हमारी स्टडी आएगी। जैसे आप जो रेफरेंस हम देख रहे हैं वो ये वाला है, इसमें राइट साइड में आप देख रहे हो क्या आ रहा है, हमारा स्टडी आ रहा है। स्टडी से पहले एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो थोड़ी सी वॉल सपोर्ट आ रही है, उसके बाद कर्टन आ रहे हैं। मैं भी इसी अप्रोच पे ही वर्क करता हूँ। मैंने इसको अभी के लिए हाइट किया और वो इसके साथ ही थे, मैंने इसको अभी के लिए हाइट किया। मैंने क्या किया, वॉल यूनिट को थोड़ा सा पुश करके आगे ले लिया। कितना आगे लेना है इसका डिसाइड हम यहाँ से कर लेते हैं। मैंने यहाँ से इसको 600 mm आगे ले लिया और इधर से भी मैं 600 mm ही आगे ले लेता हूँ, यानी कि विंडो साइज़ को मैं श्रिंक कर रहा हूँ। तो मैंने सबको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, स्केल किया, के दबाया, इंटरनल व्यू देखा इसका, ठीक है। और इससे रख दिया साइज़, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको भी स्केल किया और इसको इस पर रख दिया। आप पुश पुल किया, इसको खींचा यहाँ तक, इसको खींचा यहाँ तक, ठीक है। नाउ फ्रंट व्यू पे आ गए हम। ओके, अब मैं इन एलिमेंट्स को भी अभी के लिए हाइड कर देता हूँ।
ठीक है, और यहाँ से गाइड्स को डिलीट कर देते हैं। सो ये हमारी टीवी यूनिट वाली वॉल आ रही है जिस पर हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं, बस पलट देना है। आप ये समझो ये रिवर्स हो गया हमारा, ठीक है, क्योंकि हमें ये टीवी यूनिट है वो राइट साइड डालनी है और टीवी लेफ्ट में डालना है। सो सबसे पहले हम टीवी यूनिट का ये डिज़ाइन कर लेते हैं, या आप अपनी टेबल यूनिट डिज़ाइन कर लो, क्योंकि टेबल की स्टैंडर्ड हाइट तो हमें पता ही होगी कितनी होती है टेबल की हाइट। सिक्स हंड्रेड से 750 के बीच में होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ड्रॉअर भी देना होगा ना हमें, तो 600 प्लस ली जाएगी, क्योंकि 1.5 फिट की तो टेबल होती है। फिर सिक्स आपका यानी कि 450 की टेबल हो गई हमारी, और 150 का लेग स्पेस हो गया है ना, तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं। हेलो, जैसे हम बता रहे थे टीवी यूनिट में नीचे का लेग स्पेस जो होगा 450 mm की तो कम से कम हाइट होती है, फिर पिनियन आता है 50 mm, आप इस बार ऐड कर लो, फिर हम बैठेंगे हमारा लेग स्पेस होगा ठीक है 150 से 200 mm का, वो ऐड कर लो। उसके बाद फिर इसकी 100 mm की कम से कम इसकी हाइट होगी, तो हम ये जो हाइट लेवल है ये कम से कम 600 से थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। सो 600 भी चलता है, कुछ जगह 600 ले आता है, कुछ जगह अंडर 750 रखना है, लेकिन ये याद रखेंगे 600, 700, 750, 650 इस तरीके से आप रख सकते हो। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ से टेप टूल लिया, मार्किंग कर दी मैंने, यहाँ से 700 का मार्क कर दिया, ठीक है। पहले मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कितना रखना है। अब यहाँ से कम हमारा 150 का तो ये ड्रॉर होना चाहिए, होना ही चाहिए 150 का, इससे कम नहीं चलेगा हमारा। मैंने 150 भी नहीं रखा, मैंने इसको 200 रखा। 200 में क्या होगा, हमें यूजेबल 150 मिलेगा, क्योंकि इनके वुड वगैरह के सेगमेंट भी तो इसी के अंदर आएंगे ना। अब नीचे का जो स्पेस बचा वो कितना बचा है, यहाँ से देखो 500, 500 में आप ये मानो 500 तो हमारा एक्चुअल में वुड वो जो सेटिंग है वही लेवल आ जाएगा, तो हमारे पैर इसके अंदर इजीली नहीं जा पाएंगे है ना। सो हमने यहाँ से ये कितना रखा था, 700 रखा था, हमें एक्चुअल में कितना रखना पड़ेगा, 750 अप्रॉक्स रखना पड़ेगा। 750 रखा हमने, और ये लेवल भी हमने अब नीचे देखिए यहाँ से मार्किंग लेते हैं हम, 450 का स्टूल आएगा, फिर यहाँ पे हमारी सीटिंग के लिए 100 बच रहा है खाली, तो मैंने एक काम किया इसको मूव कर दिया ऊपर 150 का हमने ये ले लिया, 150 की क्लियरेंस आ गई हमारी, 450 की सेटिंग आ गई, ये सही रहेगा हमारा। अच्छा, अब विड्थ का एलोकेशन भी कर लेते हैं हम यहाँ से, विड्थ के एलोकेशन के लिए हम रेफरेंस देखें भाई, एक सेटिंग देनी है हमें, एक सेटिंग के लिए स्टैंडर्ड मिनिमम है कि 3 फिट का साइज तो होना ही चाहिए मिनिमम, और अगर आप ड्रॉअर के साथ दे रहे हो तो आपको और ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है वो, ठीक है। बट ये साइज़ मैं लेके चलूँगा 4 फिट के अप्रॉक्स लेके चलूँगा इसको, ठीक है, 4 फिट का ही ये अप्रॉक्स होगा, ऊपर दो कवर्ड भी आ रहे हैं हमारे, तो मैं 4 फिट या 5 फिट के बीच में आप रख लेके चल सकते हो। तो मैं यहाँ से 4 फिट कहने के लिए 1200 mm मैंने यहाँ से स्पेस ले लिया, 1200 से 1500 mm लेके चलोगे आप। अच्छा, मैंने यहाँ से एक चीज़ और करी, अच्छा वो अभी बाद में करेंगे। इसके बाद मैंने एक काम किया, यहाँ से मैंने स्पेसिंग ले ली, यहाँ से मैं कितनी स्पेसिंग ले रहा हूँ डोर खुलने की, तो डोर की विड्थ हमारी 1000 mm थी, तो 1000 mm मैंने यहाँ से स्पेसिंग ले ली, यानी कि इससे पहले तक तो मैं टीवी नहीं दे सकता, क्योंकि इससे पहले डोर खुलने का स्पेस लेगा। अब डोर खुलने के बाद भी फ़ौरन मैं टीवी का या स्लैब नहीं डाल सकता, क्योंकि क्या होगा थोड़ा सा आने जाने का रास्ता भी तो होना चाहिए हमारा। वैसे तो हम ये स्लैब छोटा डालते हैं, ज़्यादा बाहर इसको नहीं निकालते, जैसे ड्रॉर का हमने 600 लिया था, इसका 600 नहीं लेंगे, छोटा लेंगे। ये कितना दिखा रहा है आप देखो, अभी टोटल लेंथ हमारी आ रही है 2500 mm, ठीक है, तो मैं इसको 2000 mm रखता हूँ, ठीक है, 2000 या 2100 mm आप रख दो, जिससे क्या होगा आपका यहाँ से आने जाने का स्पेस सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। हम देखेंगे थोड़ा बहुत बढ़ाना होगा तो बढ़ा भी सकते हैं। क्या चीज़, 900 किसकी बात, हाँ 900 थी, थोड़ा बहुत क्लियरेंस पे लेके चले थे हम, ठीक है, तो बढ़ा देंगे चाहेंगे तो, जैसे मैंने बताया हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मीन हम इतना लेके चलते हैं। अभी देखते हैं बेड के हिसाब से देखना पड़ेगा हमें अलाइनमेंट, कि बेड किस पोजीशन में आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में, सामने टीवी उसके सेंटर पे हमारे वॉल के होना
होना चाहिए। सो उसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम। अभी मैंने एक बेसिक एलोकेशन दी है, तो मैं यहाँ पे पहले ना अपना टीवी टेबल यूनिट डिज़ाइन कर लेता हूँ। टीवी टेबल यूनिट के लिए मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, इसको डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट किया, वापस से डबल क्लिक किया, पुश पुल करके आगे खींचा। अब हमारी जो स्टडी है इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि हमारा लैपटॉप आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा बहुत स्पेस कुछ और एलिमेंट रख सकें, प्रिंटर रख सकें। सो इसका जो साइज़ है वो 450 से 600 के बीच में वेरी करता है। मैंने इसको 500 लिया, ठीक है। अब अगर हम इमेज के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये जस्ट इसके नीचे आ रहा है स्लैब, तो इसके नीचे ये वाली लाइन आ रही है। मैंने यहाँ से मार्किंग ली, ये स्लैब की जो हाइट है, ये विड्थ भी, ये आपकी कम से कम 75 mm होगी होगी, ठीक है। ये 100 थी तो ये 75 होगी होगी, 50 से 75 के बीच में। बट मैं नीचे की तरफ एक्चुअली क्या दूंगा, मैं ड्रॉर्स दूंगा, ड्रॉर का सेटअप रखूंगा। जैसे इसमें खाली स्लैब डाल के छोड़ दिया है, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन में ऐसे ही करते हैं, स्लैब डाल के छोड़ देते हैं। बट हम लोग क्या, जैसे क्या होता है स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं नीचे इनके नीचे ड्रॉर भी दे देते हैं, उसमें अपने सेटअप बॉक्स वगैरह का अरेंजमेंट है, गेम बॉक्स है, ठीक है, आपके गेम के सीडीज़ वगैरह हो गई, मोबाइल के चार्जर वगैरह हो गए, तो डेली यूटिलिटी के एलिमेंट हम उसके अंदर डाल देते हैं। तो उस मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा, मैं इसको अप्रॉक्स 300 ले रहा हूँ। 300 लेने के बाद नीचे से क्लियरेंस कितनी बच रही है, आप देखो 300 mm की क्लियरेंस बच रही है। मैं फ्लोटिंग टाइप ही अरेंज करूँगा ड्रॉर्स को। फ्लोटिंग टाइप कैसे होते हैं मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप ये देखो, ये ड्रॉर्स आ रहे हैं, ये फ्लोर पे अटैच नहीं हो रहे हैं, ये फ्लोट कर रहे हैं, इनको हम फ्लोटिंग टाइप कहते हैं, ठीक है। तो हम इस टाइप का ही अरेंजमेंट रखेंगे। अच्छा, आपने देखा है टीवी यूनिट के साइड में यहाँ पे एक शेल्फ भी दी हुई है इस वाले डिज़ाइन में। ये शेल्फ से क्या होता है, हमारा विजन जो होता है टीवी का वो ब्लॉक करता है ये। तो आप कोशिश करो कि शेल्फ कॉर्नर में दो, ना कि सेंटर में दो। जब भी हम शेल्फ देंगे तो हम ये कोशिश इंश्योर करेंगे कि टीवी और शेल्फ के बीच में थोड़ा सा गैपिंग हो, जो कि यहाँ पे हमें नहीं मिल पा रहा, जो कि होना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं। हमने यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया, मैंने रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट ये दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, इसको डबल क्लिक करके मेक ग्रुप कर दिया। इसकी विड्थ हमने रखी 300 mm, 300 से 450 mm के बीच में होती है, क्योंकि इस पर हमें ज़्यादा सामान नहीं रखना, सिर्फ स्पेसिंग के लिए हमारा। अच्छा, अगर ड्राइंग के हिसाब से देखेंगे हम यहाँ पे जिसको हम कॉपी कर रहे हैं, अगर आप उसका रेफरेंस देखोगे तो उसमें क्या किया हुआ है, कहाँ गया, ये ड्रॉअर के अंदर से आ रहा है। आप देख सकते हो इसकी विड्थ ज़्यादा है और इसकी विड्थ कम है, और ये इसके अंदर से भी आ रहा है हमारा। तो अगर मुझे इसी का रेप्लिकेट करना है तो मैं इसको अंदर से ले सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ये खाली स्लैब था, है ना, तो ये अंदर से आता तो कोई इशू नहीं था। बट हम ड्रॉअर भी दे रहे हैं, ड्रॉअर दे रहे हैं तो ड्रॉअर अंदर से आएगा, तो एक्चुअल में क्या होगा, वो इसके स्पेस लेग स्पेस को ब्लॉक करेगा हमारा, है ना। तो मैं इसलिए वो चीज़ नहीं दे रहा। अच्छा, मैंने यहाँ से टेप टूल से मार्किंग देखी, कितना मार्क आ रहा है डिस्टेंस का, यहाँ से आता है आप देखोगे 1500 mm आ रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आते हैं हम, इसके ऊपर टीवी देना है हमें, टीवी के और इसकी स्पेसिंग हम यहाँ से देखते हैं। मैंने यहाँ से स्पेसिंग ली टेप टूल से, ये हाइट मैं लूँगा 900 1000 mm के रेस्पेक्ट में हमारी जनरली चलती है ये हाइट। 1000 से कहीं कहीं 50 40 mm डाउन भी ले लेते हैं, लो हाइट टीवी देने होते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका बेड यूनिट और सेटिंग अरेंजमेंट भी लो हाइट ही होनी चाहिए, तो वहाँ पे 900 mm भी चल जाता है। स्टैंडर्ड हमारा क्या होता है कि 1000 mm पे रखते हैं हम इसको, 1000 से 1200 mm इनके बीच में, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा रखेंगे तो हमारे आई लेवल के ऊपर चला जाएगा। जब बेड पे बैठ के हम टीवी देखेंगे तो हमारे आई लेवल के ऊपर चला जाएगा। तो मैंने इसको 1000 की मार्किंग एक दी पहले, 1000 की मार्किंग देखो आप देख सकते हो यहाँ पे आ रही है। इसकी यहाँ से हाइट देखें कितनी आ रही है, 400 mm आ रही है अप्रॉक्स। अब सिंपल सा हमें एक टीवी तो देना है इसमें, है ना। 400 mm का यहाँ पे टीवी लगाते हैं। टीवी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इम्पोर्ट किया, आप वेयर हाउस से जाके टीवी को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने यहाँ से पहले से डाउनलोड किया हुआ है,
उस टीवी को अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको टीवी को मूव किया। कहाँ से मूव कर रहा हूँ? मैंने इसके इसके मिडल से पिक किया, इसके मिडल पे रखा मैंने पहले। अच्छा, अभी टीवी का साइज़ आप देख सकते हो बड़ा है काफ़ी ज़्यादा। हमें टीवी का साइज़ इतना बड़ा नहीं चाहिए, रूम हमारा छोटा है ना, तो छोटा ही टीवी चलेगा हमारा। ठीक है, ये क्या है आपका 1800 mm दिखा रहा है। ठीक है, जनरली हमारे जो टीवी होते हैं 42 इंचेस वाला भी अगर हम टीवी लगाते हैं तो 42 इंचेस को अगर हम mm में कन्वर्ट करेंगे थाउजेंड एमएम बैठेगा। ठीक है, अच्छा 42 इंचेस भी वो क्या होता है, वो डायगोनल का स्पेस होता है 42 इंचेस। तो स्ट्रेट जो मिलता है वो हमारा 3 फिट 6 इंच के आसपास का ही हमें मिल पाता है, वो 3 फिट 3 फिट 33 इंच इस तरीके से मिल पाता है। ठीक है, तो हमारा अगर मैं 3 फिट को देखूँगा, 36 × 25 करता हूँ, 900 mm, तो 900 mm का हमारा लेंथ होनी चाहिए। ये बड़ा टीवी है तो इसके साइज़ को श्रिंक कर लेते हैं हम। श्रिंक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने टेप टूल लिया। पहले एक रेफरेंस ले लेते हैं, मैं इसको पहले मूव कर देता हूँ, पीछे लगाता हूँ। मैंने यहाँ से मार्किंग ली, 1000 mm की ले लेता हूँ मैं, इतने पे श्रिंक करके लेके आना है। मैंने स्केल लिया और डायगोनल से पकड़ा मैंने, देखो आप देख सकते हो नीचे स्केल फैक्टर आ रहा है, उसमें 5.5 से सीधे 5 पे आ रहा है। मैंने 0.525 पे इसको स्केल कर दिया। ये आ गया, हाँ जी बताइए, क्लियर है? अब मैंने इसको मूव करके ऊपर रख दिया 400 mm, और इसके सेंटर से मिडल से इसको पिक किया, रेड एक्सेस को लॉक किया और यहाँ सेंटर पर रख दिया। ठीक है, और मुझे टीवी छोटा लग रहा है ज़्यादा कुछ, तो मैं इसको वापस से स्केल करता हूँ, कंट्रोल दबा के स्केल कर रहा हूँ जिससे पूरा ओवरऑल बढ़ेगा। 1.25 कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, हमने टीवी यूनिट को साइज़ को बड़ा कर दिया थोड़ा, ताकि उसके हिसाब से दिखे भी हो। मैंने इसको मूव किया, इधर सरफेस पे रखा मैंने, फिर यहाँ से 400 मैंने वापस से ऊपर कर दिया। ठीक है, ये आ गया टीवी यूनिट का एलोकेशन। अब मुझे थोड़ा सा ये ज़्यादा ऊपर लग रहा है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 1000 पे रखा था, मैं इसको सेलेक्ट करके नीचे मूव कर देता हूँ 100, 900 पे रख दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे स्पेस इतना होना चाहिए कि आप जैसे कुछ सेटअप बॉक्स वगैरह रख रहे हो, या आप अपना मान लो कोई शोपीस वगैरह रख रहे हो, उसके उसके बीच में हाइट लेवल होना चाहिए। अब हम इधर आते हैं, यहाँ पे हमारा स्टडी यूनिट डिज़ाइन कर रहे थे हम। अच्छा, तो इसके लिए मैंने यहाँ से पहले 100 का साइज़ नीचे लिया, यहाँ से हमने 700 की मार्किंग ली, ऊपर का साइज़ आ गया। यहाँ से वापस से मैंने, जैसे यहाँ से आप देखोगे ना, यहाँ से इसका हाइट कितना है, 300 है, तो मैं क्लियरेंस लेवल बराबर रखता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो मैंने यहाँ से भी 300 की मार्किंग दी। ठीक है, इसके ऊपर हम यहाँ पे स्लैब डाल देंगे, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर दिख रहा है आपको स्लैब?
अब इसमें अप डाउन करके पढ़ाऊँ, मैं कोशिश करूँगा स्ट्रेट डालूँ, एक ही लाइन में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा सो हमने रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया मैंने, यहाँ से टेप टूल से मार्किंग ली और मार्किंग दे दी मैंने 40 mm की। मैंने आर लिख के रेक्टेंगल बना के इसको इस साइज से अटैच कर दिया, इसको डबल क्लिक किया, इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अगेन इसको डबल डबल क्लिक किया, पुश पुल करके मैंने इसको हाइट दे दी 300। ओके अब मैंने एरेज कमांड पे गया, मैंने इन को गाइड्स को इरेज कर दिया। इसको भी इरेज कर दिया, ज़रूरत नहीं है। यहाँ टेप टूल से आते हैं अब हम। टेप टूल से मैंने यहाँ से पहले 600 का गैप रखा। 600 का गैप इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे हमारा एक स्लैब आएगा, ये वाला छोटा वाला। तो अब यहाँ से मार्किंग ली, मैंने 20 mm का गैप रखा। रेक्टेंगल कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट यहाँ दिया और इसको डबल क्लिक करके ग्रुप में कन्वर्ट किया, पुश पुल कर दिया इसको और पुश करके बाहर खींच दिया 150 mm। ठीक है, क्योंकि ये स्लैब शो पीस वगैरह रखने के लिए हमारा, 150 mm पे एक रखा। वालेकुम अस्सलाम। नेक्स्ट मैंने इसके ऊपर रख दिया इसको 470 mm पे, दोनों के बीच में गैप आ गया हमारा। ये गैप कम का रखना है हमने, तो मैं इसको मूव करके यहाँ रख देता हूँ। पहले यहाँ से गैप ले लेता हूँ, 300 का मैंने गैप ले लिया। ठीक है, 300 का गैप ले लिया। इसके बाद वापस से मैंने इसको मूव किया, मैंने अगेन यहाँ से यहाँ तक का इसका गैप ले लिया। तो आप देख रहे हो ये इस लेवल पे आ रहा है, तो मैं इसको लेवल को भी सेम ही रखता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ से उठा के ऊपर मूव करके इसके लेवल पर रख दिया। ठीक है, अब ड्रॉअर अरेंज कर देते हैं इसके ऊपर हम। तो मैंने डबल क्लिक किया, मैं पुश पुल करके इसको खींचा, मैंने इसको हाइट दे दी 820 की हाइट दे दी, ये आ गया करेक्ट। इस ड्रॉअर को मिडल से बाइसेक्ट कर देते हैं हम, पॉइंट सॉरी 10 mm का चारों तरफ से हमने गैप रख लिया। यहाँ से इसको बाहर खींच लिया हमने 20 mm, इसको भी 20 mm, इसको डाउन कर दिया हमने 10 mm, 10 mm हो गया। मैंने इसको मूव किया, इस सरफेस से मूव किया ग्रीन एक्सेस में, इसके लेवल पर रखा क्योंकि ड्रॉअर की डेप्थ ज़्यादा होती है सामान रखने के लिए ना। क्योंकि मैंने पीछे लेवल पे बना दिया था, उसी को कॉपी करके रखा था, तो 150 लेवल पे आ गया होगा। तो मैंने इसको मूव करके आगे रख के पीछे से बढ़ा दिया, इस तरीके से शेप कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा ओके सो ये तैयार हो गया हमारा इतना। ठीक है, अब अगर हम इसके रेफरेंस में देखें, हमारा ऑलमोस्ट लगभग लगभग सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं। यहाँ पे हमारे वुड का एक सेगमेंट आ रहा है नीचे, स्कर्टिंग आ रही है वुड की, और फ्लोरिंग भी इसमें वुड की दे रखी है, वुडन फ्लोरिंग। तो मैं ये चीज़ें भी चेंज कर लेता हूँ, जैसे हमने टाइल्स की रखी थी, बट अब हम इसको चेंज कर देंगे, वुडन फ्लोरिंग पे करेंगे, वुडन कंसेप्ट पे डिज़ाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले स्कर्टिंग बना लेता हूँ मैं इसकी। मैंने इसको कॉपी करके ऊपर रखा, सेवेंटी फाइव एम एम की स्कर्टिंग रखी मैंने नीचे से। और अगर हम इसको देखेंगे, ओके मैंने शट डाउन कर दिया शायद, स्कर्टिंग आ गई यहाँ पे। ये वही जो विनीर है वही ऊपर कंटिन्यू हो रही है, इसमें देख सकते हैं। तो मैं इसको भी ऐसे ही रखने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ से लाइन टूल लिया और यहाँ से
इस पे यहाँ तक मैंने इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हमने ये तैयार कर लिया। मैं एक बार वाई करके चेक कर लेता हूँ। देखिए आप, इस तरीके से आ रहा मेरा। मैंने इसको इरेज भी कर दिया, इस सरफेस को पुश कर दिया मैंने आगे की तरफ 10 mm। ठीक है, पुश इसलिए किया क्योंकि ये जाहिर सी बात है दोनों सरफेस के बीच में ये पेंट है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये आपकी वो आ रही है, विनीर आ रही है या लैमिनेट आ रहा है, तो इसलिए वैसे मैंने इसको आगे कर दिया और मैंने इन सरफेस को इसके आगे पुश कर दिया। सेम ये मैनर में ये वाला सरफेस भी इसके आगे कर दिया हमने। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये अरेंज कर दिया हमने। अब यहाँ पे मटेरियल अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। मटेरियल हमने कौन सा देना है, अगर इमेज देखेंगे हम तो यहाँ पे विनीर हमारा लैमिनेट लग रहा है। मैं लैमिनेट का डिज़ाइन यहाँ से देख लेता हूँ। अच्छा, लैमिनेट भी यहाँ पे आप देखोगे तो इस कॉलम तक लग रहा है हमारा। मैं काम करता हूँ, इसको हाइट ज़्यादा दे देता हूँ। वाई एंटर किया, मैंने इसके लेवल पर रख दिया। इसको भी मैंने स्केल कर दिया, इस लेवल पर कर लिया। ओके, इस वाली वॉल को भी मैंने लाइन से ब्रेक कर दिया। अब मटेरियल पे वीरे के लिए वीरे पे चलते हैं हम। वीरे ओपन किया हमने, वुड वुड पे गए। वुड पे जाने के बाद यहाँ से हम नीचे आते हैं। फ्लोरिंग भी यहाँ पे दे रखी है हमें, हम फ्लोरिंग भी अरेंज कर सकते हैं। तो फ्लोरिंग के लिए मैंने यहाँ से फ्लोरिंग का टाइप सेलेक्ट कर लेना है, बट उससे पहले मैं लैमिनेट डिज़ाइन कर सेलेक्ट कर लेता हूँ कौन सा रखना है। मैंने यहाँ पे अलग अलग लैमिनेट दे रखे हैं, जिस डिज़ाइन के साथ आप गो थ्रू करना चाहते हो वो डिज़ाइन आप ले सकते हो। मुझे ये डिज़ाइन ज़्यादा सही लग रहा है, मैंने इसको पिकअप कर लिया। लाइट शेड है हल्का सा, मैंने इसको कट किया, मैंने डबल क्लिक किया, मैंने इस सरफेस पे फिल किया। अब इसका सीक्वल आप देखोगे तो वर्टिकल में जा रहा है, अगर हम इसमें डिज़ाइन में देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है ये। ऐसा करने के लिए मैंने इसको राइट क्लिक करके टेक्सचर पे पोजीशन पे गया। यहाँ से राइट क्लिक करके मैंने इसको क्या कर दिया, रोटेट, और रोटेट करने के बाद मैंने नीचे कॉर्नर पर सेट कर दिया, डन कर दिया। मैंने वापस से क्या किया, बी बी कमांड दबाया। बी से क्या होता है, बकेट टूल लग जाता है हमारा। अब बी दबाने के बाद मुझे पिकर चाहिए, तो पिकर के लिए मैंने ऑल टूल दबाया, तो आप देखोगे पिकर आ गया। मैंने पिकर से इसको सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो आप देखोगे येलो कॉलम पे आ गया वही मटेरियल। सेम मटेरियल अब हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना होगा। हमने क्या किया, इसको जो हमने ये बनाया था इसको एक्टिव करते हैं। अब हमने डबल क्लिक किया, वापस से मैंने बी दबाया, बी दबाने के बाद उस पर क्लिक कर दिया। आप देखो इसी के रेफरेंस पे आ गया हमारा ये। ठीक है, मैंने इसको भी एक डिलीट किया, मैंने इसको ग्रुप बनाया था अगर आपको याद हो, मैंने इसको एक्सप्लोड कर दिया ताकि ये ग्रुप से टूट जाएगा। राइट क्लिक करके मैंने इसको कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। ओके किया, कंपोनेंट क्यों क्रिएट किया है इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। और मैंने इसको मूव करके ऊपर रख दिया 300 पे। ठीक है, अच्छा अब फ्लोरिंग पे आ जाते हैं हम। हमने फ्लोरिंग इसकी मैच करती हुई लेनी है, तो इसके मैच फ्लोरिंग कौन सी मिल रही है आप देख सकते हो, ये वाली इससे मैच कर रही है, ये भी मैच कर रही है। ठीक है, और तो कोई इतनी खास मैच इससे नहीं हो रही, हमें उनमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी मटेरियल्स को मैच करवाने के लिए। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप मैच जो हो रही हैं उनको ले लो, जैसे मैंने इस वाली फ्लोरिंग को पिक कर लिया। ठीक है, पिक करने के बाद मैंने इसको कट किया, मैंने डबल क्लिक किया और मैंने यहाँ से इसको इस पर डाल दिया। मैंने इसको राइट क्लिक किया, टेक्सचर पोजीशन पे गए, राइट क्लिक किया, इसको रोटेट करके 90 डिग्री रोटेट कर दिया। ठीक है, अब मुझे लग रहा है यार इसका साइज़ जो है ना थोड़ा सा छोटा है, तो मैंने साइज़ को बड़ा कर दिया यहाँ से।
डन कर दिया, फ्लोरिंग पैटर्न आ गया। अच्छा फ्लोरिंग पैटर्न में आप देख सकते हो अभी ये मटेरियल मैच कर रहा है क्या, नहीं। सो मैंने वापस से बकेट टूल लिया, ऑल्ट दबाया, यहाँ से पिक किया मैं इस ऑप्शन पे, यहाँ पे देखोगे तो आप एडिट ऑप्शन मिलेगा, एडिट पे गया मैं, एडिट पे यहाँ पे मैच पेंट का ऑप्शन होता है, मैंने मैच पेंट पे गया, मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया, तो आप देखो क्या आप मैच कर रहा है या नहीं कर रहा मोर और लेस, ठीक है। तो इस तरीके से हम मटेरियल्स को आपस में मैच भी करवा सकते हैं, क्लियर है। अच्छा अब मटेरियल मैच कर गए हमारे, डोर का कलर जो है वो अलग हो जा रहा है, सो मैं डोर का कलर भी इससे मिलता जुलता ही रखूँगा। सो मैंने ये लैमिनेट वाला ही कलर जो आ रहा है वही डोर को असाइन करते हैं, डोर को डबल क्लिक किया, वापस से डबल क्लिक किया और लैमिनेट मटेरियल को यहाँ पे इस पर असाइन किया। अब मैंने पिक किया यहाँ से ये वाले मटेरियल को, वर्टिकल वाले को, मैंने इन सबको वर्टिकल मटेरियल दे दिया। अच्छा मैंने इसके टेक्सचर साइज़ को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ, इस पे मटेरियल का टेक्सचर मुझे नहीं पड़ाना, डन किया मैंने, मैंने बी दबाया, ऑल्ट दबाया और इसको साइन कर दिया। अगेन मैंने डबल क्लिक किया, बी दबाया, ऑल्ट और इन पे साइन कर दिया। अगेन जो चीज़ रह गई है उसको भी बी दबा के असाइन कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इनको असाइन कर दिया, ये रह गया एक, बी दबाया असाइन कर दिया, ठीक है ये तैयार हो गया हमारा। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, ये भी तो हमारा इसी मटेरियल का ही है ना। सो वापस से डबल क्लिक किया, अभी ये ऐसे आ रहा है, मैं इसको पिक करता हूँ और इसको बाकियों पे असाइन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से सेम मैनर में इस पर भी डबल क्लिक किया, कर दिया। कंपोनेंट का फ़ायदा क्या होगा, एक साथ काम चलेगा। अच्छा नीचे वाले का कलर हमें वाइटिश रखना था, बट वो हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, हमें कैसा रखना है। अच्छा आप देखोगे यहाँ पे एक हल्का सा जो दोनों वुड मिले ना उनके बीच में एक ग्रूव आ रहा है ना, ये ग्रूव आपको मुझे दिखाना है ग्रूव, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हल्का सा एक ग्रूव बनाना भी पड़ेगा बहुत मामूली सा। तो मैंने उसके लिए यहाँ से लाइन खींची और यहाँ से मैंने इसको पुश कर दिया अंदर की तरफ 5 mm, ठीक है 5 mm का ग्रूव दिया और इसमें भी मैंने सेम मटेरियल फिल कर दिया 5 mm का, 10 mm का ग्रूव दे दिया मैंने, ठीक है। दिखेगा नहीं एज सच लेकिन वो ग्रूव का फील देगा फिर अब हमें। अच्छा सो ग्रूव भी आ गया हमारा, और कहीं वुड लग रहा है आप देखेंगे तो इधर भी हमारा कारकास का यही एलिमेंट लग रहा है, तो मैंने इसको असाइन किया। बाकी सामने से तो वैसे ही है और मैंने इसको भी यही मटेरियल दे दिया, और फ्रंट को नहीं दिया, फ्रंट को हमने वाइट रखा है। अच्छा यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा क्यों हो रही है, तो मैंने क्या किया 5 mm इधर से बढ़ाया, 5 mm इधर से बनाया, 10 mm का टोटल गैप रह गया, दोनों तरफ से 5 mm का गैप बढ़ा दिया मैंने। ओके सो इस तरीके से हमने डिज़ाइन कर लिया इसको। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से एलिमेंट्स रखने का काम तो आप लोग कर ही लोगे, जैसे टेबल चेयर रखनी है, लैपटॉप रखना है, शोपीस वगैरह लगाने हैं, आई गेस वाला काम तो हो ही जाएगा। संबोल आतिका, हाँ जी हो जाएगा, ठीक है। सो इतना डिज़ाइन कर, अच्छा ड्रॉर का और मैं बताता हूँ, ड्रॉर के लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अगर 600 के हिसाब से हम देखते हैं, 6 3 18 और 24, 600 के हिसाब से तो हमारे 3 ही आ पाएंगे। मैंने इसको पहले को यहाँ कॉपी करके यहाँ रखा और मैंने डिवाइड साइन दिया, मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, छोटे बॉक्सेस दे देते 4 एलिमेंट्स, ठीक है। एंड ड्रॉर्स का डिज़ाइन आप अपने रेस्पेक्ट में देख सकते हो किस तरीके से आपको रखना है, आप वाला पिकअप कर सकते हो, बहुत ढेर सारे टाइप्स हो सकते हैं। मैं कुछ रेफरेंस दे दिखा देता हूँ, रेफरेंस में शेयर भी कर दूंगा इमेजेस, आई थिंक मैंने शेयर की हुई भी हैं,
बट कुछ और भी मैं आपका होगा तो शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप कोई भी पिकअप करके उसके हिसाब से डिज़ाइन कर लिएगा। जैसे इसमें सिंपल तीन है एक लाइन में, ठीक है, ये तो वही आ गए। कहाँ गए टीवी यूनिट? हाँ ये आ गए, जैसे आप देख रहे हैं सिंपल से बॉक्सेस आ गए, है ना। ज़्यादातर स्लीक डिज़ाइन में यही चलता है, सिंपल बॉक्सेस कटे हुए, ठीक है। बाकी आपको कोई और डिज़ाइन चाहिए हो तो आप वो रख सकते हैं, जैसे ओपन टाइप भी देते हैं हमारे यहाँ, सेटअप बॉक्स वगैरह रखना होता है ना, तो सेटअप बॉक्स को ओपन टाइप में रखते हैं। ये स्लीक डिज़ाइन हो गया बिल्कुल सिंपल से कटे हुए, है ना। गेम बॉक्स के लिए आजकल एक यूटिलिटी स्पेस भी देने लगे हैं, मतलब दोनों के बीच में 100 mm का गैप कर देते हैं, उसमें एक डाल देते हैं। ये वाला डिज़ाइन भी अच्छा चल रहा है आजकल, ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। ये आपके वही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन्स आ गए आपके सारे स्ट्रेट इन लाइन में, ठीक है। यहाँ पे ये बीच में वाला आप देखोगे तो ये क्या कर दिया, ग्लास का कर दिया, जिसमें सेटअप बॉक्स वगैरह रहेगा आपका, बाकी साइड वाले सॉलिड कर दिए। सो डिज़ाइंस हैं, आप अपने हिसाब से भी किसी को पिकअप करके उसके हिसाब से डेवलप कर सकते हो। या जैसे मैंने किया, मैंने क्या किया, मैंने इसको चारों तरफ से गैप ले लिया 5 mm का, ठीक है। इनको पुश पुल कर दिया 20, और नीचे से हमने इसके लेवल पे कर दिया। सबको ऐसे रखा हमने, और मैंने इसके लिए एक ग्रूव दे दिया, और ये ग्रूव हाथ डाल के ओपन करने के लिए हो जाएगा हमारे इसको। इस सरफेस को मैंने कॉपी किया, और मैंने इन पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, सामने से इस टाइप के दिख जाएंगे हमें। ओके, यहाँ पे इसका ड्रॉअर भी आएगा, इसके लिए भी सेम प्रोसीजर कर सकते हो आप। इस तरीके से हमारा ये टीवी यूनिट डिज़ाइन हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसको कंपोनेंट इसलिए बनाया था ताकि मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, मैं इसके पीछे एक बैक स्लैश लाइट देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से 20 mm का गैप करा और इसको पुश कर दिया अंदर की तरफ 10 mm, ये गैप हो गया। इस गैप में मैं क्या करूँगा, मैं पहले लाइट, मैंने यहाँ पहले से दी हुई है स्कोव में, मैं इस लाइट को पिक करूँगा, बी दबा के ऑल्ट दबाया, बकेट टूल अप्लाई हो गया, वो हो गया। यहाँ से मैंने पिक किया, इसको डबल क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने वापस से बी दबा के इस सरफेस के ऊपर, ओ पिक नहीं किया उसने, सॉरी। हम यहाँ पे आते हैं, बी दबाया, ऑल्ट दबाया, यहाँ से पिक किया, डबल क्लिक किया,
ठीक है, अब यहाँ से आप फ्रंट व्यू पे आ जाओ अपने उसके, और यहाँ पे हम एक इंटीग्रेटेड प्रीव्यू लेके देखते हैं कि हमारा एक्चुअल में शेप कैसा दिख रहा है। ठीक है, जो हमारा देखेंगे लाइट का इफेक्ट आ गया, लाइट ज़्यादा आ रही है, तो आप चाहो तो इसके लिए एक अलग LED ले सकते हो, उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, बट हमारा इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, और आप चाहो तो यहाँ पे भी एक पीछे लाइट इफेक्ट एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, फ्लोरिंग और यहाँ पे ये सारी चीज़ आ गई हैं। एक्चुअल इफेक्ट हमें रेंडर में मिलेगा, जब लाइट्स वगैरह और लगा देंगे तब हमें एक्चुअल रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये भी ग्रूव भी हमारा आ गया है इसका। ठीक है, सो ऑलमोस्ट हमारा ये रेडी हो गया है। अब इसको एलिमेंट से फिलअप करना है हमें, और फिर उसके बाद रेंडर लेना है। बताइए, TV यूनिट डिज़ाइन करना समझ में आया? अभी इसमें रेंडर्स में कुछ सेटिंग्स करनी होंगी हमें, लाइटिंग वगैरह की, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास तक आप लोग इसके एलिमेंट्स फिलअप कर लो, शोपीस वगैरह लगा लो और एलिमेंट लगा लो, इसको डेकोरेटिव बना लो, फिर उसके बाद आगे काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, हमने मटेरियल्स असाइन कर दिए, TV ने डिज़ाइन कर लिया है, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके आगे की स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम रेंडर का सेटअप देखेंगे कि कैसे हाई क्वालिटी में रेंडर लेना है लाइटिंग वगैरह अटैच करके।